नमस्कार मित्रों, मैं नीलेश प्रसाद आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आप यहां पे देख सकते हैं, माझे आवड़ते शिक्षक। तो आज के समय में जिस तरह से हम लोग डिजिटल युग की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे टाइम पे अगर आपको कोई एक टीचर को चूज करना पड़े तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि आप किस टीचर के साथ जाएंगे और किस टीचर के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा भरोसा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि आप डिजिटली हर चीज़ से जुड़ते चले जा रहे हो। आपको लगता है कि जो टीचर डिजिटली पढ़ाते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आप किसी टीचर को अगर किसी टीचर को आप अनुभव करते हो तो आपको असलियत में पता चलेगा कि जो आपको डिजिटल रूप में पढ़ाते हैं वो टीचर या फिर जो आपको असली में जो पढ़ाते हैं वो टीचर में आपको बहुत ज़्यादा अंतर दिखेगा। क्योंकि आपको डिजिटल रूप में जो पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं वो सिर्फ आपको वही टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं जो उस टॉपिक का हेडलाइन होता है, परंतु जो आपके सामने जो टीचर होते हैं वो आपके जीवन से लेके आपकी सभी चीज़ों में हेल्प करते हैं। वो आगे किस तरह से आपको बढ़ना है, ठीक है, किस तरह से अपने आप को स्टेबल करना है, ये सब चीज़ें आपको ऑनलाइन तरीके से बिल्कुल नहीं सिखाई जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे आपका जो टॉपिक है वो माझे आवर्तक शिक्षक, तो जो आपका शिक्षक होगा वो आपके लिए आइडियल होगा। ठीक है, तो इस विषय पर हम लोग जो आज का निबंध है वो यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को ये बताना चाहेंगे कि जो शिक्षक होता है ये विद्यार्थियाच्या आयुष्यात महत्वाची भूमिका वाजवतात। विद्यार्थियाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शिक्षकाची भूमिका महत्वाची असते। तसे पाहता शाळा कॉलेजमध्ये प्रत्येक विषयाला वेगवेगळा शिक्षक असतात, परंतु त्यामधील कोणते तरी शिक्षक विद्यार्थ्यांना अतिप्रिय असतात। आजच्या या लेखात असाच एक माझा आवडता शिक्षक या विषयावरील निबंध देण्यात आले आहे। ठीक है, तो आज का जो विषय है आपको समझ गया होगा कि आप सभी ने देखा होगा कि आज पहले तो क्या होता था कि एक क्लास में सिर्फ एक ही टीचर होता था और वही हमें क्या करता था, सभी सब्जेक्ट को पढ़ाता था। वो हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मराठी हो गया, ठीक है, साइंस हो गया, ये सब चीज़ों को एक ही टीचर क्या करता था, पढ़ाता था पूरे 5 घंटे तक। लेकिन अभी क्या हो गया है, सबकी हर एक सब्जेक्ट के लिए हर एक जो स्पेशल टीचर होता है उसको लिया गया है। यानी अगर आप 5वीं में हैं, 6वीं में हैं, 7वीं में हैं, 8वीं में, 9वीं में या 10वीं में हो, अगर आपको कोई एक हिंदी टीचर है तो वो हिंदी टीचर आपको 8th में भी वो हिंदी ही पढ़ाता है, 9th में भी हिंदी पढ़ाता है, 10th में भी हिंदी पढ़ाता है। ठीक है, उसी तरह से साइंस हो गया या फिर कोई और सब्जेक्ट हो गया है, ऐसे पर्टिकुलर आपको शिक्षक मिलते हैं। तो उसमें से आपको अगर कोई एक शिक्षक आपको पसंद आता है तो आप क्या करोगे, उस शिक्षक को आपका आइडियल मानोगे। यानी आप उस शिक्षक को आप क्यों पसंद करते हो यह आप बताओगे, ठीक है, और वो शिक्षक आपको क्यों पसंद है वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे आप क्या करने वाले, एक निबंध है उसको प्रस्तुत करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो शिक्षक होता है वो एक्चुअली में हमारे लिए हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आपने ये तो सुना होगा कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, यानी जो हमारे गुरु होते हैं वो ब्रह्मा जी के रूप होते हैं, विष्णु जी के अवतार होते हैं, और जो महेश्वरी होती है उनके अवतार होते हैं। यानी जिस तरह से भगवान अपनी ये करता है, भगवान दूसरों की इच्छा पूरी करता है, भगवान सभी की सुनता है, उसी तरह से जो आपके गुरु होते हैं, जो आपके शिक्षक होते हैं, वो आपको क्या करते हैं, सहायता करते हैं आपको लाइफ के अंदर आगे बढ़ने में। ठीक है जी, और वो क्या करते हैं, गुरु सिर्फ आपको सिर्फ पढ़ाता नहीं है बल्कि एक अच्छा पाथ, अच्छा एक करियर चूज करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो ये इसके लिए आपको एक अच्छे टीचर का होना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, और उसी तरह से आपने ये देखा होगा कि जो स्कूल होते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि ऐसे बहुत से जो टीचर होते हैं उनके बारे में आपने कभी ना कभी उनके जीवनी के ऊपर लिखा होगा। ठीक है, आपने भी अपने स्कूल टाइम पे ये देखा होगा, जब आप लोअर क्लासेस में होंगे 6th और 7th में, तो आपके जो आगे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आप अक्सर ऐसा निबंध लिखने को देखने को मिलता होगा कि वो अपने टीचर के बारे में निबंध लिख रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी एक टीचर्स के बारे में एक निबंध दिया गया है, जिनका जो नाम है वो है जगदीश पाटिल सर। ठीक है, तो उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है, लेकिन आपको अगर आप किसी और टीचर को पसंद करते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग भी अपने इस निबंध को बदल सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो नाम है उनका नाम आपको अपने टीचर से रिप्लेस करना है, और साथ में
उनके अंदर क्या खूबियां है, आपको उनके अंदर क्या पसंद आता है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको निबंध के अंदर थोड़े चेंजेस करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये लिखना है कि आपको जो आपके जो टीचर है वो आपके टीचर क्यों आपको अच्छे लगते हैं, ठीक है। आप उनका काम करने का तरीका किस तरह से है, वो किस तरह से टाइम को मैनेजमेंट करते हैं, किस तरह से वो विद्यार्थियों को सिखाते हैं, किस तरह से वो बच्चों के साथ अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, ये सब चीज़ें एक जो क्वालिटी टीचर होता है उसके अंदर की स्पेशल क्वालिटी होती है। यानी जब तक आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं होगे, बच्चों के साथ आप अच्छे से घुल मिल नहीं जाओगे, तब तक बच्चे आपको नहीं समझेंगे और आप बच्चों को नहीं समझोगे, ठीक है। अगर आप एक बार बच्चों को समझ गए और बच्चे आपको समझ गए, तो कोई भी कितना भी हार्ड सब्जेक्ट होने दो, कोई भी सब्जेक्ट होने दो, आप क्या कर सकते हो, वह सब्जेक्ट अपने बच्चे को डिलीवर कर सकते हो और अच्छे से आप उसको डिलीवर करके अपने बच्चों को समझा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे उसी तरह से यहाँ पे उस टीचर के बारे में बताया गया है, तो आपको भी अपने टीचर्स के बारे में यहाँ पे बताना है, उनके विषय के बारे में आपको बताना है, सभी चीज़ों के बारे में बताना है कि वो किस तरह से आपकी हेल्प करते हैं, उनके द्वारा क्या आपको गाइडेंस मिलता है, वो किस तरह से आपके लिए आइडियल के रूप में काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमेशा एक जो टीचर होता है जो आपका फेवरेट होता है, वो आप उसके फेवरेट बनने के पीछे भी बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि आप तुरंत किसी को देख के ये नहीं कह सकते कि हाँ ये मेरा फेवरेट टीचर है। तो आप भी उस टीचर को आप बहुत सालों से जानते होंगे, ठीक है, आप उसके अंडर आपने बहुत सारी पढ़ाइयाँ की होती है, तभी आप क्या करते हो उस टीचर को अपना गुरु मानते हो। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप सभी को कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके हमें इंस्टाग्राम पे बोल सकते हैं या फिर हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।